नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। विजय गोयल जी जो सीनियर बीजेपी लीडर हैं, आज जंतर मंतर पर आए हैं और सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर। लगातार प्रदूषण का हर साल यही हाल होता है। पंजाब में पराली जलाई जाती है, हरियाणा में पराली जलाई जाती है, दिल्ली के अंदर गैस चैम्बर बन जाती है दिल्ली। और उस सब को देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अपने समय पर आकर धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन बात वहीं की वहीं रह जाती है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, उनकी जिंदगी इफेक्ट हो रही है और स्लो पॉइजन की तरह प्रदूषण धीरे धीरे लोगों को खाया जा रहा है। आज विजय गोयल जी जो जंतर मंतर पर हैं, वो इस मुहिम को लेकर आगे बढ़े, एक दिन के उपवास की बात कर रहे हैं। हम याद करते हैं 2011 का वो मंजर जब अन्ना हजारे इसी जंतर मंतर पर बैठे थे और लगातार उन्होंने अपनी बात को पुरजोर तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ रखा था। आज उसी तरह की कोमोवस एक मुहिम चल रही है, जिसके अंदर विजय गोयल जी यहाँ पर एक दिन का उपवास प्रदूषण के खिलाफ कर रहे हैं। क्या ये मुहिम उस तरह से जा पाएगी, आगे बढ़ पाएगी? आइए बात करते हैं उनसे। सर, ये जो लग रहा है आपको, जो प्रदूषण का जो माहौल हो रहा है दिल्ली के अंदर, हर साल अभी चुनाव है, जैसे MCD का चुनाव है, तो लगातार ये बदलाव होता रहता है कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं। क्या ऐसा कुछ है कि इसको मुद्दे को लंबा खींच के ले जाएंगे? अरे भाई, अरविंद केजरीवाल सरकार को वायु प्रदूषण पर काम करना चाहिए था, उसने कुछ काम नहीं किया। पीछे वो चिल्ला रहे थे पराली, अब पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जाई जा रही है, तो ये लोगों को बताना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल जी उपवास में बैठे हैं, ताकि लोगों को संदेश आ सके। सर, ये जो पराली की बात हो रही है, लगातार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, तो सीधा सीधा आरोप अब उन पे लग रहा है। लगातार वो पहले आरोप लगाते रहे दूसरी सरकारों पर कि पंजाब की वजह से प्रदूषण होता है दिल्ली के अंदर, हरियाणा की वजह से प्रदूषण होता है, लेकिन आज तो उनकी सरकार उन्हीं के साथ है, तो फिर क्यों ये दिक्कत क्यों हो रही है? पिछली बार सारा साल उन्होंने इसी में निकाल दिया कि पंजाब की पराली के अंदर हो रहा है। अब पंजाब में पराली 37% ज़्यादा चल रही है और दिल्ली की जनता प्रदूषण के कारण गैस के चैम्बर के अंदर बैठी हुई है, और अरविंद केजरीवाल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं या गुजरात के अंदर पर्यटन कर रहे हैं, उनसे पूछिए। धूल के कारण 30% जो प्रदूषण होता है, आपने कुछ किया क्या? उनसे पूछिए। वाहनों के कारण जो प्रदूषण होता है, आपने कुछ किया क्या? उनसे पूछिए। जो बसें आनी थी 11,000, एक भी बस आई क्या? उनसे पूछिए। जो यमुना साफ होनी थी, वो ही क्या? उनसे पूछिए। जो स्प्रिंकलर मशीन आनी थी, वो आई क्या? उनसे पूछिए। जो डस्ट कलेक्टिंग मशीन आनी थी, वो आई क्या? तो भाई, गैस का चैम्बर आप बना रहे हैं, आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी छठ के ऊपर भी प्रवेश वर्मा का एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो केमिकल की बात कर रहे हैं, तो उस पर भी दो तरह के पक्ष आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि केमिकल डाल के झाग खत्म किया जा रहा था, सरकारी काम था, उसमें बाधा पहुंचाई गई, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि केमिकल के जरिए जहर डाला जा रहा था जमुना के अंदर। तो क्या दिक्कत हो रही थी? केमिकल कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, जो आप अगर साफ होगी तो डालेगी, इसका मतलब है यमुना गंदी है, आप उसमें केमिकल डाल रहे हैं। कितने साल तक आप केमिकल डालोगे? कभी यमुना को साफ करोगे या नहीं करोगे? यही अरविंद केजरीवाल से जनता पूछ रही है। पहले अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, अब सारी दिल्ली की जनता को धोखा दे रहा है ये आदमी। सर, लगातार अरविंद जी एक साल में प्रदूषण यमुना साफ कर देंगे, 2 साल में साफ कर देंगे, इस तरह के वादे करते रहते हैं लगातार, लेकिन अब जब ये यमुना की हालत इतनी हो रही है, खराब हो रही है, हथनीकुंड जो बैराज है वहां से पानी नहीं छोड़ा जाता है, तो पानी छोड़ना यमुना में, जब पानी नहीं होगा तो यमुना एक गंदा नाला बनकर रह गई है। बहुत सारे समाज सेवी संगठन इस बात को उठाते रहते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टियां इसको सिर्फ चुनाव तक मुद्दा बनाएंगी, MCD चुनाव तक, या आगे भी लेके जाना है इसको? ये मुद्दा तो लगातार है और दिल्ली की जनता देख रही है। सारी दिल्ली जब गंदा पानी पी रही है तो उनको पता है कि यमुना साफ नहीं हुई है। सारी दिल्ली जब गैस के चैम्बर में रह रही है, स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है, तो उनको पता है कि अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर रहे हैं और प्रदूषण के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल की सरकार। आज एक दिन का उपवास है आपका, इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, आगे कैसे ले जाएंगे? आंदोलन लगातार प्रदूषण के खिलाफ किसी ना किसी रूप में चलेगा। आज पूरा दिन हम उपवास के ऊपर बैठेंगे और फिर देखेंगे कि ये प्रदूषण के जो किया है अरविंद केजरीवाल ने, वो एक दिन भी अपने सीट पे ना बैठा रहे। देखिए, लगातार ये बात उठती रहती है कि प्रदूषण के जरिए प्रदूषण मुद्दा बनता है, चुनाव के आसपास काफ़ी
तेज से राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं। अरविंद केजरीवाल थे तो वो अन्य पार्टियों के खिलाफ आरोप करते थे, लेकिन आज बीजेपी है तो वो भी आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच में जो आम मुद्दा है प्रदूषण का, वो हमेशा राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं लेकिन उसे लंबा लेके नहीं जाती हैं। दिल्ली वाले यही उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि अब जो विजय गोयल जी ने जो इनिशिएटिव लिया है, एक दिन का उपवास लिया है, इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से आगे ले जाएंगे और आगे दिल्ली की जनता को इससे फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।